नमस्कार दोस्तों, सायश इन्फोटेक चैनल पे आपका स्वागत है। और मैं आज फिर से हाजिर हूँ क्योंकि हमने चेक मेकर का एक नया वर्जन लॉन्च कर दिया है, जो कि इसका लेटेस्ट वर्जन है 9.4 सीरीज़। और इसका जो लेआउट है ये पुराने लेआउट से काफ़ी डिफरेंट है, बिकॉज़ जो पुराना लेआउट था उसमें जो लिस्ट होती थी जो भी आपने चेक इशू किया है वो आपके राइट साइड में दिखती थी, बट अब इसमें ये नीचे के साइड में आप देख रहे हैं कि ये पूरा फुल एरिया में नीचे नीचे साइड आपको पूरा लिस्ट दिखेगा। और एंट्री के लिए ये ऊपर का जो लेफ़्ट साइड का एरिया है यहाँ पे आप चेक की एंट्री कर सकते हो या मॉडिफिकेशन कर सकते हो। और जो रिमार्क्स का सेक्शन है वो ये रहा, जहाँ पे आप रिमार्क्स लिख सकते हो। और बाकी जो बटन्स है कॉमन बटन्स वो यहाँ पे आपको राइट साइड में दिए गए हैं, और उसके बाद एकदम राइट मोस्ट कॉर्नर पे ऑप्शंस दिए गए हैं जो आपको कभी काम आ सकते हैं। जैसे अगर चेक के डेट प्रिंट नहीं करना आपको तो प्रिंट डेट सेक्शन निकाल सकते हो आप। प्रीव्यू अगर आपको नहीं देखना तो ये टिक निकाल सकते हो। तो ये सब सारे ऑप्शन आपको राइट साइड में दिए गए हैं। और इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो नॉर्मल वर्जन, होम वर्जन जिसको बोलते हैं चेक मेकर होम, और दूसरा जो वर्जन होता है वो चेक मेकर प्रो होता है। तो होम वर्जन में आपको ये प्रिंट एनवलप आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, फिल्टर नहीं मिलेगा, बल्क प्रिंट ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के जो फीचर है, एक्सेल से इम्पोर्ट करना या फिर एक्सेल में एक्सपोर्ट करना, ये फीचर्स जो है वो आपको प्रो वर्जन में ही मिलते हैं, होम वर्जन में नहीं मिलते हैं। ओके, तो चेक मेकर के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो तो आपको पहले ही हमारे वीडियोस में, बहुत सारी वीडियोस है उसमें आपको मिल चुकी है। तो मैं आज आपको प्रो में क्या फ़र्क है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये जो लीस्ट है, मान लो अभी प्रो का सबसे पहला फीचर हम आपको बता देते हैं कि अगर आपको रिपोर्ट प्रिंट करना है तो बाई डिफ़ॉल्ट ये प्रिंट रिपोर्ट आप बटन पे क्लिक करो, आपको यहाँ पे चेक नंबर या डेट वाइज जिस ऑर्डर में चाहिए वो सिलेक्ट कर लो और शो कर दो, तो आपको ये रिपोर्ट इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। इसको आप यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट निकल जाएगा। लेकिन यदि आपको सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का ही रिपोर्ट प्रिंट करना है, जैसे अभी विंडलास बायोटेक लिमिटेड है, तो अगर आपको इसका प्रिंट करना है सिर्फ, तो आप यहाँ पे फिल्टर बटन पे क्लिक करके उस पार्टी का नाम यहाँ पे इनिशियल डाल दो, WINDLAS डाल दिया मैंने, और अप्लाई कर दिया। तो ये सारे के सारे चेक विंडलास की दिखेंगे आप, और बाकी सारे चेक हट चुके हैं। उसके बाद आप इसको प्रिंट रिपोर्ट दीजिए, शो करिए, तो ये आपको उसी का सिर्फ रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। आप फिर आप इसे अगर आप चाहे तो PDF बना के मेल कर सकते हो, या फिर सामने किसी को भेजना है तो भेज सकते हो, CA को, अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो ये है फिल्टर का फंक्शन जो कि प्रो में ही अवेलेबल होता है। इसमें आप सिर्फ नाम नहीं, उसके अलावा आप डेट वाइज फ़िल्टर कर सकते हो, मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट, या फिर आप चेक नंबर वाइज भी फ़िल्टर कर सकते हो। मतलब आप स्टार्टिंग नंबर डाल दो, एंडिंग नंबर डाल दो और अप्लाई कर दो, तो सिर्फ आपको उसी नंबर के बीच के चेक दिखेंगे। ओके, अब हम मान लो फिल्टर नहीं करना, मुझे सिर्फ सर्च करना है किसी का चेक, तो आप यहाँ पर फाइंड बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे यहाँ पे रत्न 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 RATA ने रत्ना पे सर्च करना है, मतलब मुझे यहाँ पे रत्ना नाम सर्च करना है कि इसको मैंने कितने चेक दिए। तो फाइंड किया मैंने, तो रत्ना नाम को मैंने इतने चेक दिए हुए हैं, राइट। तो ये एक दूसरा अच्छा फीचर है। अब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में आपको बता देते हैं कि मान लो ये जितने भी, अभी मान लो कि आपको मेल करना है किसी को, या तो आप प्रिंट रिपोर्ट से PDF कर सकते हो, या फिर मान लो मुझे किसी को दिखाना है कि मैंने आपको इतने चेक इशू कर चुके हैं, तो मैं फ़िल्टर करता हूँ और यहाँ पे मैं विंडलास ही डालता हूँ, ठीक है, अप्लाई करता हूँ। अब ये उसके सारे चेक आ गए, अब मुझे इसी को एक्सपोर्ट करने हैं, ठीक है, मुझे इसको एक्सेल शीट बना के भेजना है, तो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट बटन प्रेस करूँगा, ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोकेशन सेट कर देते हैं, यहाँ पे मैं DDR सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये चेक बन गए, रेडी हो गया, एक्सपोर्ट हो गया है DDR में। दिस PC में गए, मैं यहाँ से DDR में गए, यहाँ पे चेक नाम की फाइल दिखेगी आपको, ठीक है। अब इसमें आपको सारे चेक आपको मिल जाएंगे, चेक नंबर, डेट, प्रिंट डेट, चेक डेट, नाम हो गया, अमाउंट हो गया, अकाउंट कोड जिस अकाउंट से आपने चेक दिया, फिर ये बैंक का कोड, बैंक नेम, कंपनी नेम जिस अकाउंट जिस कंपनी से आपने चेक इशू किया, और रिमार्क्स आ गए, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको मेल कर सकते हो। ये तो हो गया फिल्टर करके, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो, या फिर अगर आपको सारे चेक एक्सपोर्ट करने हैं तो आप विदाउट फिल्टर अप्लाई किए ही
एक्सपोर्ट करके सारे चेक एक्सपोर्ट कर सकते हो। और इम्पोर्ट का जो फीचर है वो मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, तो उसकी जो लिंक है मैं ऊपर आई बटन में आपको दे देता हूँ, आप उसमें से देख लीजिएगा। अब हम आते हैं ये इनवलप पे, प्रिंट इनवलप पे। मान लीजिए मैंने किसी को चेक इशू किया, न्यू चेक एंट्री करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे चेक नंबर ऑटोमेटिक आ गया, डेट आ गया, यहाँ पे मैं जिस बंदे को चेक इशू करना है उसका नाम डाल दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ कुछ भी, मैं एक मान लीजिए 5 लाख। ये रिमार्क सेक्शन है, वहाँ पे मैं कुछ नहीं देता हूँ अभी फिलहाल, सेव कर दिया। अब इसका चेक मैंने प्रिंट कर लिया, राइट। अब ये चेक प्रिंट करने के बाद मुझे इसी को कुरियर करना है उस बंदे को, मतलब ये चेक कुरियर करना है। तो उस टाइम पे मुझे क्या होगा कि उसका एड्रेस भी एनवेलप पे लिखना होगा हाथ से, तो उसके लिए भी इसमें ऑप्शन दिया होगा कि आपको हाथ से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े, आप एक बार उसका नाम, उसके नाम नाम के सामने उसका एड्रेस डाल दो, तो नेक्स्ट टाइम कभी भी उसको कभी भी भेजना हो एनवेलप तो आप डायरेक्ट उसको सिलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हो। तो मैं अभी प्रिंट एनवेलप पे जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे नाम तो आ गया उसका, अब इसका एड्रेस भी आपको यहाँ पे डाल देना है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 8x646। MHB कॉलन, ठीक है। नंबर अगर आपको डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हो, वो भी डाल दिया अपने ऑफिस का नंबर, मोबाइल नंबर सेव कर दिया। अब इसे को आप प्रिंट कर सकते हो यहाँ से, ये मैं प्रिंट का बटन दबाता हूँ, ठीक है। ये प्रीव्यू आ गया, और जैसे ही मैं यहाँ पे ये प्रिंटर आइकन पे क्लिक करूँगा वो प्रिंट आपको आ जाएगा। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, प्रिंटर सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। अभी आप देखिए प्रिंट आ रहा है, तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से हम एनवेलप भी प्रिंट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर से। और कभी भी प्रिंट करना हो तो आप वापस से जब भी प्रिंट करोगे एनवेलप में जाओगे तो आपको उसका एड्रेस मिल जाएगा, टाइप बार बार करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार प्रिंट दे दो और आपका एनवेलप प्रिंट होकर आ जाएगा। तो ये कुछ फीचर्स थे इसमें प्रो वर्जन में जो मैं आपको बताना चाहता था, और कुछ अगर छूट गया है तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ छूटा होगा तो मैं आपको उसमें इंक्लूड कर दूंगा। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट फ्यूचर, बाय।